नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में, इसकी जो डेट है वो कब, कौन सी डेट को ये रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। तो जैसे आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, जैसे कोई 8 के ऊपर बना रखा है, 8 तारीख को, जैसे 8 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, कोई किसी ने तो 6 पे बनाया, किसी ने 5 भी बना रखा था। ठीक है दोस्तों, को 5 को रिजल्ट आएगा और कन्फर्मली ये भी बता रखा था कि कन्फर्मली 5 को आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं आ पाया। ठीक है दोस्तों, 6 को भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, 7 को भी अब नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो कि इनकी जो एग्जैक्ट जो डेट है वो कब होगी दोस्तों, तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप देखिएगा, जैसे किसी ने कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर भी बता रखा है, ठीक है, तो कॉल रिकॉर्डिंग में इतना स्पष्ट नहीं बताया दोस्तों, कि आप देख सकते हो उन्होंने भी कुछ दिन के बीच में बताया, जैसे कि 6 से, आप देख सकते हो कोई किसी ने बताया 6 से 12 की, 6 से 10 के बीच में, ठीक है, कोई किसी ने बोला 12 के 12 तारीख को वगैरह, इस तरह से आपको देख सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से वीडियो बनाए रखे बहुत सारे दोस्तों, आप देख सकते हो। और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम आएगा, तो हम इसमें हम इतनी बात नहीं करेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह की बात नहीं करेंगे दोस्तों। तो इनका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है, जो इन्होंने, आप देख सकते हो यहाँ पर, जो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स जो इन्होंने निकाला था, ठीक है, जब इनकी वैकेंसी आई थी तब उस टाइम में इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर निकाला था, ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा कि इन्होंने अपने रिजल्ट, जो इसका जो एग्जाम होने के बाद इनके जो रिजल्ट के बारे में भी इन्होंने पूरा का पूरा इसके अंदर बताया था दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 16 नंबर पे, ठीक है, ये 16 नंबर आप देखिएगा, ये यहाँ पे ये पूरा 16 नंबर आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट लिस्ट, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर फेज़ टू, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन फेज़ वन, ठीक है, फेज़ वन का जो परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको फेज़ टू में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे वगैरह इसमें दे रखा है, ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोड ऑन, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो अपलोड ऑन जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वाली, देख सकते हो, आफ्टर 25 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, अब देख सकते हो जो फेज़ जो हुआ था, फेज़ वन ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पर दे रखा है आपको, देखिए फेज़ वन ऑनलाइन टेस्ट विल बी अपलोड ऑन, जो यहाँ पे ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आफ्टर 25 डे दोस्तों, ठीक है, 25 दिन के बाद में 100% इन्होंने बोला है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे बोला है, ठीक है, तो इसका मतलब कन्फर्मली अब देख सकते हो, न तो अभी 5 को आया, ठीक है, न 6 को आया है, अभी न 7 को आ रहा है, ठीक है, तो अब देख सकते हो कि 25 डे इन्होंने यहाँ पे बोल रखा है दोस्तों। तो आप 25 डे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हो ना कि 25 दिन के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों, तो यही आपकी जो, इसके बाद में जो 25 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपकी जो डेट होगी वो कन्फर्मली हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, कन्फर्म डेट उसके उस दिन को ही आपका जो रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो यही इस वीडियो में बताना चाहता था कि जो आपका जो बहुत सारे वीडियो बने रखे हैं दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा कि 25 दिन वाला आपका जो वीडियो है वो 100% सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो 25 दिन के बाद में यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल भी बता रखा है कि 25 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद।